झारखंड में स्पेन की महिला टूरिस्ट के साथ भयावह घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। घटना 1 मार्च की है, जिसे आरोपियों ने दुमका के हंसडीरा में अंजाम दिया। घटना को लेकर स्पेनिश महिला ने FIR दर्ज कराई है, जो किसी हॉरर स्टोरी से कम नहीं है। वहीं दुमका SP पीताम्बर सिंह खेरवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना की पूरी जानकारी दी है। उन्होंने कहा, घटना के बाद स्पेनिश कपल हमारे पास आया था, जिसके बाद हमने मामला दर्ज कर महिला का मेडिकल कराया, जिसमें गैंगरेप की पुष्टि हुई है। महिला के बयान के आधार पर हमने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 4 अन्य की तलाश जारी है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए। गश्त के दौरान दो व्यक्ति दिखे, विदेशी नागरिक, उन लोगों ने उनको रोका, बताया कि उन लोगों के साथ कुछ घटना हुआ है। और चूंकि वो लोग इंग्लिश और स्पेनिश भाषा मिला के बोल रहे थे, जिसको लोग सही तरीके समझ नहीं पाए, लेकिन देखने से लगा कि उनके साथ घटना हुआ है। कुछ चोट चेहरे पर दिखा, जिसके आलोक में उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरैयाहाट नज़दीक में है, वहाँ पर ले गए। तो डॉक्टर को उन लोगों ने बताया कि उनके साथ और जो लड़कों के द्वारा दुष्कर्म की घटना की गई है। तो जैसे इसका सूचना मिला, हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वहाँ पर गए और उन लोगों से पूछताछ किया, और जैसा उन लोगों घटनास्थल और बाकी चीज़ों को वो बताए, और हम लोग में तुरंत टीम वर्क करके टीम बनाए और छापेमारी किया, और उनके द्वारा भी कुछ क्लू बताया गया था कि जिसके आधार पर हम लोग उन अभियुक्तों के तक पहुंच पाए और उनकी गिरफ्तारी हुई। पहले उनसे पूछताछ किया, पूछताछ के क्रम में उन लोगों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है, फलतः उनको गिरफ्तार किया गया है, और जो भी उसमें शामिल और लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी, चूँकि उनका नाम पता सत्यापन हो चुका है। अगर कोई नया तथ्य आएगा तो उसको भी हम लोग शामिल करेंगे, चूँकि इसमें काफी गंभीर विषय था, इसमें SIT का गठन 2 किया गया है। वहीं घटना को लेकर 28 साल की पीड़िता ने जो आप बीती सुनाई, वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। स्पेनिश महिला ने FIR में बताया, 7 आरोपियों ने मेरे साथ रेप किया। पहले उन्होंने हम पर हमला किया, हमें पीटा, हमारी गर्दन पर चाकू रख दी और कहा वे हमें मारने जा रहे हैं, लेकिन वे सिर्फ मेरा रेप करना चाहते थे। इसके बाद आरोपियों ने मेरे पति के हाथ बांध दिए और उन्हें पीटते रहे। फिर उन्होंने मेरे साथ हैवानियत की। इस दौरान 7 लगातार मेरे ऊपर लात मुक्के बरसाते रहे। मुझे लग रहा था कि आरोपी उस रात मेरी हत्या कर देंगे, लेकिन भगवान की कृपा से मैं अभी जिंदा हूँ। घटना के बाद महिला ने सोशल मीडिया पोस्ट पर एक स्टोरी लगाकर अपनी आप बीती सुनाई। हालांकि कुछ देर बाद इसे डिलीट कर दिया गया और महिला ने पोस्ट डिलीट करने का आरोप पुलिस पर लगाया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, पुलिस ने मुझसे पोस्ट डिलीट करने को कहा है ताकि मामले की जांच में खलल ना पड़े, इसे मैं बाद में पोस्ट करूंगी। इसके बाद महिला ने अपना वीडियो पोस्ट किया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो देख लोग आरोपियों को फांसी देने की मांग करने लगे। दूसरी तरफ घटना को लेकर दुमका SP ने बताया कि 28 साल की स्पेनिश महिला और उसका 64 साल का पति बाइकर्स हैं, जो वर्ल्ड टूर पर निकले हैं। वे जगह जगह टूर करते हैं और कैंप लगाकर रहते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो दंपत्ति टूरिस्ट वीजा पर भारत आए हैं। इससे पहले वो पाकिस्तान गए, फिर वहां से बांग्लादेश, उसके बाद झारखंड आए। वहां से उनका नेपाल जाने का प्लान था। फिलहाल इस खबर को लेकर देश भर में रोष है। लोगों की मांग है कि आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दी जाए। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और देश दुनिया की ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए News18 India Originals के साथ।